नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जो लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफ़र करते हैं, मेनली इसमें गर्ल्स होती हैं, लड़कियों में ये बीमारी देखी गई है। इसका टर्म क्या होता है, लड़की रियल में बहुत पतली होती है, एकदम हम स्केलेटन कह सकते हैं उसको, एक तरीके से बहुत पतली। पर जब वो कांच में जाती है और अपने आप को कांच में देखती है, मिरर में, तो उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत मोटी है, पर रियलिटी में वो बहुत पतली है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता क्या है, पर कांच में वो मोटी क्यों देख रही है? बिकॉज दिस इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। वो अपने आप को मॉडल बनाना चाह रही है और एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल समझ रही है। वो अपने आप को ऐश्वर्या से कंपेयर कर रही है, तो वो चाहती है एकदम स्लिम हो जाए, पर वो बहुत स्लिम हो चुकी है, पर उसमें ऐसा डिसऑर्डर है, उसको जब भी कांच में देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत मोटी है। इसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इसमें ये बीमारी जो होती है ज्यादातर लड़कियों में देखी जाती है। इसमें जो गर्ल होती है वो क्या करती है, खाना बंद कर देती है, खाना खाती ही नहीं है, और बहुत कमजोर होती जाती है, प्रोटीन विटामिन सब टूटते जाते हैं, वो ओल्ड होने लगती है, और वो अपने आप को बहुत मोटा समझती है उसके बाद भी। तो ये टर्म है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जब वो अपना डाइट गिरा देगी, बहुत वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और उसकी बॉडी से फैट्स टूटने लगेंगे, मसल्स टूटने लगेगी, इस टर्म को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ये एक सीरियस डिसऑर्डर है, इसको हम बिहेवियर थेरेपी या उससे कंसल्टेंट कर सी या फैमिली सपोर्ट, या फिर हम इसको मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी गर्ल एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफर कर रही है, कुछ बार ये कुछ मेल्स में भी होता है, पर मेल में रेयर है, गर्ल में ये थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि ये मॉडल्स में होता है, जो लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है, जो डांसर बनना चाहती है, उनमें भी होता है और मेल में भी होता है ये डिसऑर्डर। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब वो अपने आप को रियल में तो पतली है, पर जब कांच में देखेगी तो मोटी दिखती है। तो अगर आपको इस बीमारी से रिलेटेड और जानकारी चाहिए हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, और इस बीमारी से रिलेटेड कोई सहायता चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। और लास्ट में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं ये भी बता दूँ कि मैं एक एमडी मेडिसिन हूँ, इंटरनल मेडिसिन में, डॉक्टर हेमंत शर्मा। थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसी और बीमारियां जानने के लिए। धन्यवाद।